am very, very proud of DRDO, which is one of India's great institutions founded by Jawaharlal Nehru in 1950. विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि ये काम डीआरडीओ और साइंटिस्ट कर सकते थे, पीआईबी रिलीज दे रही थी, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कि आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इस चीज के लिए? मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? तो सर ये क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को? राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? राजनीतिकरण कर रहे हैं क्या इस तरह के लोगों में भी? देखिए आप खुद जानते हैं कि राजनीतिकरण कितना, आप खुद जानते हैं कि कितना राजनीतिकरण कितने मुद्दों का हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, आपने खुद देखा है। और मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ यही कह रही हूँ। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस का ब्लफ है, बाकायदा ये बात बोली अरुण जेटली ने। देखिए कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाते हैं। बीजेपी लेकिन मैम बीजेपी कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि चार पुलियों से मैम मैम प्रियंका जी नॉट प्रियंका जी नो क्वेश्चन प्रियंका जी वर्कर सिंह कहा कि प्राइम मिनिस्टर बना रहा है राहुल गांधी को, हम आप आराम से बना रही है पीएम बना रहा है। मैं ऐसे लफ्ज कभी नहीं कह सकती। मैंने वर्कर से कहा है कि ये चुनाव कि इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें, आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है, इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी, ये कह रही हूँ। प्रियंका के आने से कोई मुझे नहीं लगता असर होगा क्योंकि कांग्रेस के पैर जमीन पर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि जमीन पर क्या हो रहा है, ये मेनका गांधी ने कहा है। तो उनका व्यू है, आप प्रचार कर रही हैं उनके खिलाफ प्रचार करने जा रही हैं। सवाल I haven't checked what my schedule is. I'll probably go wherever my brother. But Priyanka, you are going to Yogi Adityanath कह रहे हैं आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, उसके बाद मंदिर कभी आप चक्कर नहीं काटते। उनको क्या मालूम कि मैं क्या करती हूँ? That's what Smriti Irani is also saying. उनको क्या मालूम कि मैं मंदिर जाती हूँ नहीं जाती हूँ चुनाव के समय या नहीं? उनको मेरे बारे में क्या बीजेपी ये कह रही है कि चार पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, ये भी एक ब्लॉक है और चार पीढ़ियों से ये कर रही है। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कहा जा रहा है सचने की क्या वाकई ऐसा है? बीजेपी कह रही है का नारा देते हैं, गरीबी हटाते नहीं है, कांग्रेस का यही सिर्फ नारा चुनावी नारा रहता है, गरीबी नहीं हटाता। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई गरीबी कभी हटी नहीं है, ये कह रहे हैं? I think the defining issues are that farmers are suffering, they have got no help from the government, they tell me that they don't even get their seed and fertilizer on time, in some places the seed is costing them more than their crop, they are in debt, there is nobody to support them and nobody to help them. The issue is that there is huge gross unemployment, jobs were promised, they were not given, there are thousands of young people who are unemployed. I see them on every chauraha, I see them on every marketplace, everywhere I go when I ask have you got a job, they say no. No government has performed as badly on employment as they have. The economy is in shambles, these are the issues. And these are the issues that all of you should highlight instead of getting into issues which are actually irrelevant for people.
क्या अमेठी का चुनाव राहुल गांधी का चलेगा? क्या चुनाव लड़ेंगे प्रियंका जी? आप चुनाव लड़ेंगे 2019 का? 19 का चुनाव आप लड़ेंगे? अभी मैंने तय नहीं किया है। मतलब अभी है प्रॉब्लम है कि आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती हैं? लड़ सकती हैं चुनाव? आप भी लड़ सकती हैं? आप अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। खुद मेरी इच्छा है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, क्योंकि बहुत संगठन का बहुत काम है। एंड आई प्रिफर टू बी कैंपेनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। आई डोंट नो येट, आई विल वेट फॉर Are you going to be a full-time politician now? Obviously, yes, of course. Would you like to fight from Eastern UP only? Thank you.